पसंद ऑलरेडी 10 मिनट लेट है हम लोग के पास, तो 2 मिनट थोड़ा वेट करने को स्टार्ट कर। रह गए बस एक या दो लेक्चर हमारे। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। ऑलमोस्ट अब हम एंडिंग की तरफ जा रहे हैं, हमारा लास्ट एक दो टॉपिक्स रह गए। उसमें से एक है रेडिएशन प्रोटेक्शन। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे सारी रेडिएशन के बारे में और एक्सरेज, बेसिकली हमने पढ़ा था एक्सरेज, मेमो एंड स्पेशल रेडियोलॉजिकल टेक्निक्स। ये हमारा क्या कहते हैं सब्जेक्ट था। तो इससे रिलेटेड इसके अंदर आपको पता है कि सारी की सारी सोर्स जो है वो हमारे पास एक्सरेज है। ठीक है, एक्सरेज के अंदर भी एक्सरेज यूज हो रही हैं, मेमोग्राफी के अंदर भी एक्सरेज यूज हो रही हैं, और जो स्पेशल हमारे पास जितनी टेक्निक्स हैं वो हमारे फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर्स हैं सारे। तो उसके अंदर भी सोर्स हमारी क्या थी, एक्सरेज ही सोर्स है हमारी। ठीक है, वो हमारे पास स्टैटिक एक्सरेज हो गया, जो सिंपल एक्सरेज जिनको हम लोग रेडियोग्राफी भी कहते हैं, उसके अंदर स्टैटिक एक्सरेज हमारे पास प्रोड्यूस होते, वही हमारे पास सोर्स है। लेकिन वो मेमोग्राफी कैसे डिफरेंस होता है उसमें, उसमें हम लो केवीपी यूज करते हैं, फैक्टर्स थोड़े से चेंज होते हैं, बाकी डेडिकेटेड ब्रेस्ट इमेजिंग है एक्सरेज की। उसके अलावा उसके अंदर क्या होता है, लो डोज यूज कर रहे हैं कंपैरेटिव टू द जनरल रेडियोग्राफी। ठीक है, और उसकी मशीन, उसके बाद जो हमारा फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर आएगा, मेरा तो विजडम की ही नहीं खुलना बोलना पड़ा। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास, तीसरा फ्लोरोस्कोपी। ठीक है, इसलिए वो करीब आ गए, और उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि उसके अंदर सोर्स अगेन हमारे पास एक्सरेज है, वो लेकिन हमारे पास हाई डोज है। ठीक है, क्योंकि हम लोग बार बार रेपिटेटिव उसको कर रहे हैं, थोड़ी देर लाइव भी देखते हैं, और उसको हम प्रोसीजर को पूरे परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो सबके अंदर सोर्स हमारे पास क्या है, एक्सरेज। एक्सरेज क्या है, एक्सरेज और आयनाइजिंग रेडिएशन। ये हम लोगों ने फर्स्ट फ्लोर लेक्चर जो पढ़े थे, सारी बेसिक चीजें पढ़ी थी, उसके अंदर हमने सब पढ़ा था कि एक्सरेज हमारे पास आयनाइजिंग रेडिएशन है। आयनाइजिंग रेडिएशन का क्या मतलब होता है, वो रेडिएशन जो किसी के साथ जब इंटरेक्ट करती है तो वो उसके सेल्स को आयंस में जो है वो डिसिपेट कर देती है, दो आयंस बना देती है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, फ्री रेडिकल्स होते हैं इनके पास, तो वो हमारी बॉडी को नुकसान दे सकते हैं जो आयनाइजिंग रेडिएशन होते हैं। ठीक है, तो आप एज अ टेक्नोलॉजिस्ट, एज अ रेडियोग्राफर, आप रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, तो यू शुड नो अबाउट द रेडिएशन हैजर्ड्स, रेडिएशन प्रोटेक्शन। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग डिग्री होल्डर हो, आपको इन चीजों का आइडिया है, आपने पढ़ा है। टेक्नीशियंस भी वहाँ पे हैं, लेकिन वो आप लोगों को ये नहीं बताएंगे, ठीक है, इतना पता है कि हाँ रेडिएशन हार्मफुल होती है, क्या है क्या नहीं, लेकिन आपको इस चीजों के बारे में पता है कि आपने पूरी उसकी फिजिक्स पढ़ी हुई है कि आयनाइजिंग रेडिएशन कैसे आयंस प्रोड्यूस करते हैं, कैसे हमारी बॉडी को डैमेज कर सकते हैं, और किस हद तक जो है वो उसको डैमेज कर सकते हैं। कुछ हमारे पास इफेक्ट्स होते हैं, अर्ली इफेक्ट्स होते हैं रेडिएशन के, कुछ हमारे पास लेट इफेक्ट्स होते हैं रेडिएशन के, कि वो विद टाइम को एक काम कर रहा है बंदा रेडिएशन में बहुत टाइम से, उसको इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो जब वो रिटायर हो गया तो उसके बाद उसको कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गया, दैट मीन वो रेडिएशन के थे। वही जापान के अंदर जिस तरह वो जो हुआ था एटॉमिक बॉम्ब वाला, वो अभी तक उसके अभी तक इफेक्ट्स है उसके। ठीक है, मतलब कि रेडिएशन इतनी ज्यादा हार्मफुल होती है कि वो हमारी इफेक्ट्स जो है, दो टाइप के इफेक्ट्स जो है ना क्रिएट कर सकती है। तो अच्छा, रेडिएशन प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बीइंग अ टेक्नोलॉजिस्ट, बीइंग अ रेडियोग्राफर, बीइंग अ रेडियोलॉजिस्ट। आप रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में हो, आपको रेडिएशन हैजर्ड्स, उसकी प्रोटेक्शन, किस चीज से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आपको इन चीजों का पता होना चाहिए। कि अगर आप फ्लोरोस्कोपी कर रहे हो तो फ्लोरोस्कोपी आपको पता है डायनामिक इमेजिंग है, हाई डोज है, उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है अगर आप उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो। एक्सरेज में हो तो किस तरह आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, और पेशेंट को भी प्रोटेक्ट करना है कि उसको बस हम लोग उसका एक स्कैन कर सके, एक अचीवेबल हम लोग उसकी एक फिल्म बना सके, जो कि एक अच्छी फिल्म हो, अच्छा हम लोग उसके ऊपर देख सकें, हम उसको पेशेंट को भी इतना हार्म ना दें, इतनी रेडिएशन ना दें कि उसको भी नुकसान हो और आपको भी नुकसान हो।
तो ये चीजें जो है वो रेडिएशन प्रोटेक्शन मेथड्स में आती हैं। अच्छा, क्या है रेडिएशन प्रोटेक्शन? समटाइम्स नोन एज रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन इज डिफाइंड बाय द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये जो एटॉमिक एनर्जी वाले ना अनमोल में भी जो बैठे हुए हैं सारे हैं ये फिजिक्स वाले, लेकिन ये डील सारी रेडिएशन को और ये जितने भी एटॉमिक एनर्जी वाले हैं ये रेडिएशन के साथ बड़े अच्छे से डील करते हैं। ठीक है, हमारी जो आरएसटी की ये वाला सब्जेक्ट है ना, हमें जिसने पढ़ाया था वो मैम अरीशा जमान थी, शायद आपको आप किसी ने आप उनका नाम भी सुनाओ, बड़ी फेमस है वो मैम अरीशा जमान, अनमोल हॉस्पिटल की डायरेक्टर थी वो, और जो थी वो एटॉमिक एनर्जी में काम करती है। ठीक है, तो एटॉमिक एनर्जी का जो सारा उनमें माशाल्लाह बहुत अच्छी उस पर पोस्ट पे थी, उन्होंने हमें सारी ये रेडिएशन और इस तरह पढ़ाती होती थी। तो वो है, वो डॉक्टर नहीं थी, वो उनका सारा उन्होंने फिजिक्स ही पढ़ा हुआ था, एमएससी फिजिक्स और रेडिएशन और ये सारा, तो इसलिए वो तो काफी एजेड भी हो गई थी अब तो, और लेकिन उनके पास सारा नॉलेज ही प्रोटेक्ट रेडिएशन के बारे में, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा नॉलेज था। तो मेनली जो रेडिएशन प्रोटेक्शन के आप समझ लो एसओपीज और उनके हम लोग के जो भी प्रोटोकॉल्स हैं जो सब कुछ है, ये जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसीज है ना, इन्होंने डिफाइन किए हुए। तो ठीक है, द प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द एक्सपोजर टू द आयनाइजिंग रेडिएशन एंड द मींस ऑफ अचीविंग दिस, ये सारा कुछ जो है ना, ये जो एजेंसी है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इन्होंने ही सारा कुछ एक्सेप्ट करके उसको डिफाइन करके उसका प्रोटोकॉल सेट किए हुए। द एक्सेप्टेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म रेडिएशन प्रोटेक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल। ठीक है, व्हाई इट इज नेसेसरी कि प्रोटेक्शन, हमें इतना तो पता है कि हम कह रहे हैं कि रेडिएशन प्रोटेक्शन है, क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? क्या हमें पता होगा ना कि कुछ इफेक्ट्स हैं उसके, तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें, वो इफेक्ट्स किस किस्म के हैं? ठीक है, एक्सपोजर अबव द थ्रेशोल्ड लेवल प्रोड्यूसेस सम बायोलॉजिकल इफेक्ट्स। थ्रेशोल्ड यूनिट, थ्रेशोल्ड लेवल आपको पता है ना कि एक स्पेसिफिक वो कह सकते हैं लेवल तक जो है आप उसको एक्सपोजर दे सकते हो, अगर उस लेवल से एक्सीड कर जाता है तो वो जो है आपको हार्म दे सकता है आपकी बॉडी को। ठीक है, अब वो दो किस्म के हो सकते हैं, या सोमेटिक इफेक्ट या जेनेटिक इफेक्ट। ठीक है, सोमेटिक इफेक्ट्स कौन से होते हैं? आपने सोमेटिक और जेनेटिक, जेनेटिक तो नेम से ही पता चल रहा है, सोमेटिक इफेक्ट कौन से होते हैं? हाँ, मतलब कि जो एक्सपोज हो रहा है, जो आपके सामने जो भी इंडिविजुअल है, जो भी रेडिएशन को एक्सपोज हो रहा है ना, उसके जो इफेक्ट्स आएंगे दैट इज सोमेटिक इफेक्ट्स। ठीक है, और वो इफेक्ट जो कि एक्सपोज नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन उसके जीन्स में वो प्रॉब्लम चली गई है, दैट इज जेनेटिक इफेक्ट। जैसे वही मैं बता रही हूँ, जापान वाले जो है वो डायरेक्ट एक्सपोज नहीं हुए थे, जो अब बच्चे पैदा हो रहे हैं अभी तक उनके अंदर वो प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है, वो क्या है, वो जेनेटिक इफेक्ट्स हैं, वो जो उस वक्त एक्सपोज हुए थे उनके जीन्स में आगे ट्रेवल करते करते वो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो अब तक वो आ रही है। इसी तरह जो है, जो लोग अपने इसमें रेडिएशन में काम कर रहे हैं उनके ऊपर इफेक्ट्स अगर आते हैं तो वो तो सोमेटिक इफेक्ट्स हैं जो कि उनको एक्सपोजर मिल रहा है। ठीक है, अगर उनके जीन्स में जाके आगे जो कि बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है, उन वो तो डायरेक्ट एक्सपोज नहीं हो रहे, लेकिन उनके जीन्स में वो चीज चली गई है, दैट इज जेनेटिक इफेक्ट। ठीक है, जेनेटिकली जो है बच्चे इस तरह के पैदा हो रहे हैं। आपको पता हूँ आजकल जितनी एबनॉर्मेलिटीज हैं, आपको अजीब अजीब से अल्ट्रासाउंड में जो नजर आ रही है ना, ये एबनॉर्मेलिटीज, ये सारी रेडिएशन की वजह से। मैं कॉज हम लोग कहते हैं ना, कैंसर का भी कॉज अभी तक नहीं पता। ठीक है, तो कैंसर का भी कॉज अभी तक नहीं पता आपको। उसके अलावा आप कहते हो कि मैं इसके ऊपर भी रिसर्च हो चुकी हूँ कि जिसका कॉज नहीं है, क्योंकि हम लोग आजकल एनवायरनमेंट ही हमारा सारा रेडिएशन का है। ठीक है, हम रेडिएशन में ही रह रहे हैं, क्या सिग्नल्स रेडिएशन है, वाईफाई रेडिएशन है, आपके एनवायरनमेंट में इतनी रेडिएशन है, माइक्रोवेव रेडिएशन है। ठीक है, हर चीज जो है वो आप रेडिएशन में रह रहे हो। ठीक है, तो ये रेडिएशन जितनी ज्यादा है तो इन रेडिएशन के इफेक्ट्स आपकी जेनेटिक्स जीन्स में जा रहे हैं, जो आपको डायरेक्ट तो आप एक्सपोज नहीं हो रहे हैं, लेकिन आपके जीन्स में जरूर ट्रेवल करके जो है नॉर्मेलिटीज कॉज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जेनेटिक इफेक्ट्स हैं सारे, सोमेटिक इफेक्ट्स ज्यादा। क्या मैम, ज्यादातर देखा गया है कि जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं ना, वो ज्यादातर नॉर्दर्न एरिया से होते हैं। कैंसर के पेशेंट्स में क्या होता है? नॉर्दर्न एरियाज वाले होते हैं, पहले भी बताई थी कि नॉर्दर्न एरियाज वालों में कैंसर क्यों ज्यादा है, क्योंकि हिली एरियाज है सारा, और हिली एरिया में हिल्स के अंदर भी एक रेडिएशन है जो पेमेंट होती है। ठीक है, हिली एरिया वालों के अंदर कैंसर ज्यादा है, पठानों में देखे और जो उस तरफ, इसीलिए आप शौकत खान जाओ ना इधर लाहौर वाले, इसमें ज्यादा रेशो आपके नॉर्दर्न साइड के लोग,
ठीक है, उधर के लोग अब तो इसीलिए उधर शौकत खानम जो है पेशावर में भी बना है, और इस वजह से कि इधर का थोड़ा सा जो है ना रश कम हो, और उधर क्योंकि आप इधर भी जाओ, मैं देख जब हम शौकत खानम में थे यकीन करो उसमें 80-70% पेशेंट जो है वो नॉर्दर्न का, तो उनमें एक ये बहुत ज्यादा कॉमन है क्योंकि वो भी रेडिएशन में बहुत ज्यादा रह रहे हैं। ठीक है, एक तरह वो भी हालांकि हम कहते हैं नेचर है, नेचर के करीब है वो, ठीक है, और इनको इतनी, लेकिन आप हिल्स में रह रहे हो ना, हिल्स में भी एक रेडिएशन होती है, वो क्या रेडिएशन है, उनमें क्या कॉज है, वैसे तो कॉज अभी तक कैंसर की भी नहीं पता कि स्पेसिफिक ये कॉज से कैंसर होता है, लेकिन कहते हैं कि रेडिएशन जो है वो एक तो ट्रीट भी करती है कैंसर के लिए, रेडिएशन ही लगती है ना, रेडिएशन कैंसर को ट्रीट भी करती है और कैंसर कॉज भी रेडिएशन से करती है। ठीक है, तो वही बात हो रही थी कि जो रेडिएशन आपकी जीन्स में ट्रेवल कर रही हैं, जो डायरेक्ट एक्सपोज हो रहा है दैट इज सोमेटिक इफेक्ट, एंड जो जीन्स में ट्रेवल कर रही हैं, ठीक है, आपके इफेक्ट्स वो है जेनेटिक इफेक्ट्स। ठीक है, टेराटोजेनिक इफेक्ट्स हो गए। अच्छा, रेडिएशन में डिपॉजिट एनर्जी एंड डैमेज डीएनए, क्रिएट आयनाइजेशन इन द बॉडी लीडिंग टू द फ्री, ये तो उसकी थोड़ी डिटेल हो गई कि आयनाइजिंग रेडिएशन क्या करती क्या है, वो आपको फ्री रेडिकल एक रख देती है, दो आइंस बनाती है, पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस, फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। ठीक है, अच्छा, ससेप्टेबिलिटी टू द रेडिएशन क्या है, एलडी क्या होता है, इट्स अ लीथल डोज, लीथल डोज होती है कि आप देखो ये है द लीथल डोज 50-30 का मतलब ये है, क्या जब हम कहते हैं ना लीथल डोज 50, हर जगह पे जहां पे तो देखोगे लीथल डोज 50 का मतलब होगा कि अगर 100 थे पॉपुलेशन जिसमें रेडिएशन एक्सपोज हुई है, ठीक है, वो सारे 100 की पॉपुलेशन एक्सपोज हुई है रेडिएशन को, उसमें से 50% जो है ना उनमें इफेक्ट आएंगे, तो लीथल डोज इज 50। ठीक है, यहाँ पे 50 और 30 का मतलब है तो इफेक्ट्स आएंगे, उसको इफेक्ट्स का मतलब है कि दैट विल किल दैट 50%, 100 में से 50 जो है वो रेडिएशन से खत्म। ठीक है, तो 50 ओवर 30 का मतलब है द डोज दैट किल 50% पॉपुलेशन इन 30 डेज, लीथल, अगर मैं एलडी 50 ओवर 30 लिखती हूँ तो यू शुड नो 50 मींस 50% पॉपुलेशन विल बी किल्ड इन 30 डेज। ठीक है, कितनी डोज मिली, एक तो रेडिएशन तो मिली है, आयनाइजिंग रेडिएशन, फिर डोज बड़ी डिपेंड करती है उसके ऊपर, जितनी ज्यादा डोज मिलेगी वो ज्यादा, आपको पता है कि उसकी लीथल डोज जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, वो रिस्क पे हो जाएगा कि उसको चांसेस होते हैं कि वो अब उस तरफ जा रहा है, मरने की तरफ जा रहा है, उसको रेडिएशन ज्यादा, दैट मींस उसकी बॉडी को इफेक्ट्स ज्यादा, बायोलॉजिकली उसने उसको खराब ज्यादा कर दिया है। ठीक है, तो ठीक, तो इसको अगर हम लोग एनुअल या इसमें देखें, लीथल डोज 50/30 का मतलब है कि 50% पॉपुलेशन विल डाई इन 30 डेज ऑफ द एक्सरेज फॉर द ह्यूमन इज 250-450 रैड, रैड इज द यूनिट फॉर एब्जॉर्ब डोज, नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, एब्जॉर्ब डोज का मतलब होता है हम जब भी यूनिट देखते हैं ना कि इसको जो है इतनी रैड में, इस एक जो हमारे पास है एजेंसी जिन्होंने प्रोटोकॉल सेट किया है, इन्होंने बताया है कि अगर ह्यूमन के अंदर 250 या 450 की रेंज के अंदर रैड, मतलब उसमें एब्जॉर्ब डोज उसमें एब्जॉर्ब हो गई है, दैट मींस उसका लीथल डोज इज 50, उसके चांस है कि 50% वो मर सकता है वो। ठीक है, इतनी डोज अगर उसको मिल गई है तो, ठीक है, दिस इज द लीथल डोज फॉर द ह्यूमन। ठीक, तो रेड इज द यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब डोज, यूनिट सारे याद रखे हैं ना, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में लास्ट एक वो टेबल था, यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखना ऐसे यूनिट, इसके जो थे एब्जॉर्ब डोज का ऐसे यूनिट क्या हो गया रेड, और ऐसा यूनिट में इसका था ग्रे। ठीक है, तो ऐसा यूनिट और उसमें जो है ना जो तीन चार शुरू किए वो तो बड़े इंपॉर्टेंट है, तो उन डोजेस को जरा ना अच्छे से देख, यूनिट्स को देख लेना, क्योंकि रेडिएशन में ये यूनिट्स ही तो आपने देखना ही है, एब्जॉर्ब डोज का यूनिट है कि जो आपने एब्जॉर्ब कर लिए, एक एक्सपोजर होता है, ठीक है, एक इक्विवेलेंट डोज होती है, ठीक है, उनके भी यूनिट्स होते हैं, तो एब्जॉर्ब डोज अभी याद रखो कि एब्जॉर्ब डोज का यूनिट इज रेड एंड इन ऐसे यूनिट इट्स ग्रे। ठीक, लीथल डोज समझ आ गई। अच्छा, अब आ जाओ रेडियो सेंसिटिविटी ऑफ द लिविंग सेल्स, हमारे सेल्स को हमने डिवाइड किया हुआ है कैसे सेंसिटिविटी, कौन से सेल्स हमारे लो सेंसिटिव है, कौन से सेल्स हमारे जरा इंटरमीडिएट सेंसिटिव है, और कौन से हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं जो कि बहुत सेंसिटिव है रेडिएशन। लो सेंसिटिव में हमारे पास मेच्योर आरबीसीज हैं, गैंग्लियन सेल्स, मसल सेल्स, मेच्योर कनेक्टिव टिश्यू, इनसे जो भी हमारे ऑर्गन्स बन रहे हैं दे आर लो सेंसिटिव। ठीक है, मसल्स इतने ज्यादा, हमारे मसल सेल्स इतने ज्यादा सेंसिटिव नहीं होते रेडिएशन को, उनको कुछ नहीं कहेगा।
अच्छा इंटरमीडिएट सेंसिटिविटी किन की है? गैस्ट्रिक मिकोजा, म्यूकस मेम्ब्रेन, एसोफेगियल एपिथेलियम, यूरिनरी ब्लैडर एपिथेलियम, जो के एपिथेलियम लाइनिंग हमारी जीआई ट्रैक्ट की पूरी है, यूरिनरी ब्लैडर की है, जो इंटरनल ऑर्गन्स की जो लाइनिंग है वो लो मीडियम हमारे पास सेंसिटिव ऑर्गन है, और हाई सेंसिटिव हमारे पास कौन कौन से है? प्रिमिटिव ब्लड सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया, लिम्फेटोसाइट्स। ठीक है, इसका मतलब है प्रिमिटिव ब्लड सेल्स वो होते हैं जो कि अभी इमेच्योर ब्लड सेल्स है, जो कि अभी बन रहे हैं ब्लड सेल्स। ठीक है, फिर हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया के अंदर भी जो हमारे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेल के अंदर भी हमारे पास जो है स्पर्मेटोगोनिया बड़ा सेंसिटिव, इस तरह हमारे लिम्फोसाइट्स इतने लिम्फ्स हमारे जहाँ पे होते हैं वो जो है ना एक्सपोज अगर हो जाए तो वो सेंसिटिव है बहुत ज्यादा रेडिएशन को, तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए हम प्रिमिटिव ब्लड सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया जिनके अंदर अभी स्पर्म्स बन रहे हैं या वो जिनके अंदर ब्लड सेल्स अभी इमेच्योर है, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि बच्चे जो है या फीटस जो है वो ज्यादा सेंसिटिव हुआ, क्योंकि उनके अभी तो ऑर्गन्स बन रहे हैं, ब्लड अभी बिल्कुल इमेच्योर है। ठीक है, उनके सेल्स अभी इतने ज्यादा मेच्योर नहीं हुए हैं, इसीलिए हम कहते हैं ना प्रेग्नेंट वुमेन को हम लोग अवॉइड करते हैं रेडिएशन से, क्यों? क्योंकि फीटस बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है रेडिएशन को, क्योंकि उनके सारे ऑर्गन अभी इमेच्योर होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं प्रेग्नेंट वुमेन को रेडिएशन से दूर रखें। ठीक है, क्योंकि फीटस बहुत ज्यादा सेंसिटिव है लो रेडिएशन को। ठीक है, उसके अलावा हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जितने हैं मेल के अंदर, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि उनको एप्रन पहनना बहुत जरूरी, फीमेल्स के अंदर भी जो है ना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बड़े ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। उसके अलावा थायराइड हमारा सेंसिटिव ऑर्गन है, जो ग्लैंड्स है ना हमारे जितने भी ग्लैंड्स हमारे सेंसिटिव होते हैं टू द रेडिएशन। ठीक है, इसीलिए हम लोग वो कॉलर भी पहनते हैं और लेड एप्रन पहनते हैं, सारा हमने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। बट इतना पता हो कि व्हाट स्ट्रक्चर्स आर लो सेंसिटिव, इंटरमीडिएट एंड हाई सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अच्छा जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ रेडिएशन सेफ्टी। अब सेफ्टी के लिए अब हम बात करें रेडिएशन तो हमने सेफ्टी के लिए कुछ तो पैरामीटर्स या प्रोटोकॉल सेट किए हैं ना कि हम कैसे अपने आप को सेफ करें। नंबर वन इज द डिस्टेंस, आप रेडिएशन से जितना दूर रहोगे उतना आप सेफ हो। ठीक है, तो डिस्टेंस इज इम्पोर्टेंट, तो इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड पर्सनल, जहां सोर्स और जहां खुद खड़े हो उसका डिस्टेंस इंक्रीज कर दो। यूज ऑफ द प्रोटेक्टिव बैरियर्स, हमारे पास डिफरेंट टाइप के बैरियर्स हैं, जिस तरह हम लोग कोई लेड एप्रन पहन रहे हैं इट्स ऑल्सो अ बैरियर के हम लोगों को वो रेडिएशन ना मिले। इसके अलावा हमारे पास लेड शील्ड होती है जिसके पीछे खड़े होकर हम एक्सपोजर देते हैं, वो लेड शील्ड होती है, एक्सरे में देखी होगी आपने। ठीक है, स्क्रीन्स लगी होती हैं लेड की, तो दीज ऑल आर द बैरियर्स जो कि हमें रेडिएशन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तीसरा क्या है, रिडक्शन ऑफ द एक्सपोजर फैक्टर्स एंड अननेसेसरी रेडियोग्राफी, हम जो फैक्टर सेट कर रहे हैं केवीएम में उनको हम लोग कम रखें, इतना भी ना कम रखें कि हमारे पास इमेज ही ना बने। हम लोग जो अलारा को फॉलो करते हैं एज वेल एज रीजनेबली अचीवेबल, हम उसको फॉलो करते हुए ऐसे फैक्टर सेट करें कि पेशेंट को भी ना रेडिएशन ज्यादा मिले, खुद को भी रेडिएशन ना ज्यादा मिले और इमेज भी हमारे पास अच्छा आ जाए, तो इतना हम लोगों ने सेट करना है केवी। ठीक है, तो एक्सपोजर फैक्टर्स तीन इंपॉर्टेंट अगर पूछूं तो यू शुड नो व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन सेफ्टी। नंबर वन डिस्टेंस, नंबर टू प्रोटेक्टिव बैरियर्स वो किस टाइप की क्या होते हैं वो मैं पूछ सकती हूँ, एंड थर्ड वन इज द एक्सपोजर फैक्टर्स कि हम लोगों ने एक्सपोजर फैक्टर्स को रिड्यूस रखना है, बट इतना कम नहीं रखना कि हमारे पास इमेज ना बने, इतना रखना है कि हमारे पास इमेज बने एंड रेडिएशन को भी हम प्रोटेक्ट कर सकें। नंबर फोर इज द यूज ऑफ रेडिएशन मॉनिटरिंग डिवाइसेस, एंड ये मैं बताती हूँ क्या, एक्सरे बीम फिल्ट्रेशन एंड प्रॉपर शील्डिंग ऑफ द ट्यूब हेड, जिस तरह हमने बताया था उसकी कॉलिमेशन होती है ट्यूब हेड के ऊपर, कॉलिमेशन को हम उतना ही रखें जितना हमने इमेज करना है, हम इतनी ज्यादा कॉलिमेशन वो लाइट जो होती है उसको खोल के रखेंगे तो डेट मीन्स हम अननेसेसरी जो एक्सरेज जो है पेशेंट को दे रहे हैं, जितना एरिया एक्सपोज करना है उतना ही हम लोग कॉलिमेट करें। एज एंड सेक्स ऑफ द इन्वॉल्व पर्सनल बड़े इंपॉर्टेंट है, बच्चों में कम रखेंगे बड़ों में, इसीलिए एज और फीमेल और मेल के अंदर भी हम लोगों ने फैक्टर्स को उस लिहाज से ही सेट कर लिए। ठीक है, ये चीजें, एंड ये फोर्थ वन जो मैं कह रही थी यूज ऑफ रेडिएशन मॉनिटरिंग डिवाइसेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो भी रेडिएशन में काम कर रहा है खासतौर पर अच्छे हॉस्पिटल्स में या आप लोगों ने देखे होंगे शौकत खानम या डिफरेंट हॉस्पिटल में जो काम कर रहे होते हैं उन्होंने लैपटॉप के साथ यहाँ पे एक छोटा सा बैच लगाया होता है। ठीक है, वो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हैं जो मॉनिटरिंग डिवाइसेज हैं। ठीक है, कुछ रिंग्स के फॉर्म में होते हैं, यहाँ पे उन्होंने रिंग्स पहनी होती हैं जिन्होंने हाथ से काम करना है, दैट मीन्स आप बिल्कुल डायरेक्ट एक्सपोजर में हो। ठीक, उसके अलावा हमारे पास बैजेस होते हैं, ज्यादातर बैज ही पहनते हैं, उसका ये मतलब होता है कि हर मंथ जो है डिफरेंट हॉस्पिटल वाले वो आके
सबके मेल के साथ उनके बैज होते हैं, ठीक है, वो लेके जाते हैं और उनको फिर वो टेस्ट रेडिएशन प्रोटेक्शन वाले जो है वो उनको देखते हैं, देख के फिर उनको रिपोर्ट हर महीने की देते हैं कि इसको इतनी रेडिएशन इस महीने मिले, इसको इतनी मिली है। समटाइम्स ये होता है कि किसी को रेडिएशन उसमें ज्यादा रेडिएशन में काम कर लिया तो उसको भी हम लोग कहते हैं कि ये रेडिएशन उसको ज्यादा नहीं दी है तो उसको ऑफ दे दो या फिर उसको घर बिठाओ थोड़ी दिनों के लिए, ठीक है। ये तो एनुअली मंथली चेक होता है ये आपका बैच, ठीक है। और कुछ तो इतने तेज होते हैं छुट्टी लेने के बहाने डायरेक्ट प्राइमरी बीम के अंदर अपना बैच रख देते होते हैं कि उसको मिले, और वो भी पता चल जाता है कि डायरेक्ट प्राइमरी बीम मिली है या उसको सेटल डायरेक्ट प्राइमरी बीम मिलती है तो वो फिर यहाँ बैच रख देते होते हैं उधर अंदर रूम में। और बड़े ऐसे भी लोग देखे हमने क्योंकि छुट्टी मिल जाएगी, छुट्टी लेनी है 10-15 दिन की क्योंकि हमें रेडिएशन बहुत ज्यादा मिल रही है। लेकिन ये भी बड़े तेज होते हैं, उन्हें पता होता है कि एक लिमिट होती है कि इस लिमिट तक तो नॉर्मल मिल सकती है, इससे ज्यादा अगर है तो डैड ने कुछ खपला हुआ है, ठीक है। तो रेडिएशन जो है वो जो है ना चेक होती है मंथली बैचेस के थ्रू, ठीक है। तो इनको हम लोग मॉनिटरिंग डिवाइसेस कहते हैं, वो मैं आपको आगे पिक्चर में दिखाऊंगी किस टाइप के होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। अच्छा, क्या अफेक्ट होगा डिस्टेंस इंक्रीज करने के बिटवीन द सोर्स एंड पर्सनल? डिस्टेंस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन रिड्यूसिंग एक्सपोजर, ठीक। डबलिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स विल रिड्यूस द रेडिएशन एक्सपोजर बाय 4। समझ आ गई कि आप डबल डिस्टेंस कर दो एक्सपोजर आप 1/4 कम कर दोगे उसकी रेडिएशन, क्या चीज। हाँ जी ठीक है, 4 जो है ना उसके उसपे कम हो जाएगा, डबल करोगे 4 हो जाएगा। Use tongs, forceps and prayers to increase the distance between yourself and radiation source. See different devices and always know the radiation intensity where you perform most of your work and if it is high then move to the low dose area during work delay. अब आपने ये देखो सामने जो है ना आप दे रहे थे बिल्कुल एक्सपोजर, ठीक है, वहां पे पेशेंट खड़ा। प्राइमरी क्या होगी, जब वो स्कैटर्ड होके आएगी तो वो डायरेक्ट इस तरफ आ सकती है, स्कैटर्ड होती है लो डोज वाली जो साइडों पे जा रही है। आपने वो देखना है एक साइड पे जहाँ पे एक्सपोजर देना वो एरिया देखना है जहाँ पे लो इंटेंसिटी की रेडिएशन जा रही है, ठीक है, आप तक। तो उधर आप फिर अपना बैरियर भी लगाओगे और कम से कम बल्कि खत्म होने के ना होने के बराबर आपको रेडिएशन मिलेगी। पहले आपने एरिया ही वो चूज किया, ठीक है, फिर उसके बाद आप जो है ना आप बैरियर यूज कर रहे हो, आपने भी लाइट अपरेंट पहना है, आगे भी लाइट शील्ड है, तो आप जो है ना फुल प्रोटेक्टिव होते हो रेडिएशन से। तो डिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। No individual other than operator and essential needed person should be there. ठीक है, आपको जो exposure देना है and the patient, बस कोई अंदर बंदा नहीं होना चाहिए। हाँ, females अगर male कर रहे हैं, ठीक है, कोई एक्सरेस वगैरह और female का कर रहे हैं तो कोशिश करो कि कोई attendant जो है जरूर अंदर ले आओ और उसको भी आप protection पूरी दो, उसको एलर्ट एप्रन पहनाओ, उसको अपने साथ लाइट शील्ड के पीछे खड़ा करो, ठीक है। फिर आ गया एनिमल शुड नॉट बी रिस्ट्रेन्ड मैनुअली, यूज आइदर केमिकल और फिजिकल मेथड ऑफ रिस्ट्रेनिंग, छोड़ो इसको। ऑपरेटर शुड बी ऑन शील्डिंग बूथ, जो आपके पास बूथ बना होता है जो आपके आगे आगे पीछे कंसोल होता है और आगे आपकी लाइट शील्ड से लगी होती है, बिहाइंड द स्क्रीन और एटलीस्ट 6 feet अवे फ्रॉम द सोर्स व्हेन एक्सपोजर इज मेड। दिस इज द लीस्ट डिस्टेंस कि एटलीस्ट 6 feet दूर हो आप सोर्स से, ठीक है। नो पार्ट ऑफ द बॉडी शुड बी एक्सपोज टू द प्राइमरी बीम, ठीक। प्राइमरी बीम तो वो है जो बिल्कुल एकदम आ रही है आपके उसमें से ट्यूब में से निकल रही है और वो जो है ना हाई इंटेंसिटी की होती है, तो कोशिश करनी है कि हम लोगों ने प्राइमरी बीम से दूर रहना है, स्कैटर्ड तो कम डोज वाली होती है। अब ये देखो डिस्टेंस जो ज्यादा नजदीक है उसके अंदर देखो आपको ज्यादा मिल रही है रेडिएशन, जो दूर है उसको एक टांग पे थोड़ी सी आ रही है, ठीक है। तो दैट मीन्स आप उसको डबल डिस्टेंस कर दोगे तो आप उसका रेडिएशन इंटेंसिटी को भी कम कर दोगे। डबल डिस्टेंस 1/4 डोज, ट्रिपल डिस्टेंस 1/9 डोज, ठीक है। ये आप जितना बढ़ाते जाओगे डिस्टेंस उतना उसको आप रेडिएशन प्रोटेक्शन ना करते जाओगे, तो डिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2 इज यूज ऑफ प्रोटेक्टिव बैरियर्स। अब डिफरेंट टाइप्स के मैंने बताया था बैरियर्स हैं, दीज बैरियर्स आर अगेंस्ट स्कैटर्ड रेडिएशन नॉट अगेंस्ट द प्राइमरी बीम। समझ आ गए कि आपकी स्कैटर्ड रेडिएशन से तो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन यही अगर प्राइमरी बीम में खड़े होगे तो आपको इतनी ज्यादा नहीं मिलेगी इस प्रोटेक्शन। बैरियर यूज कौन कौन से है, नंबर 1 इज द एप्रन्स जो कि है हम पहनते हैं, वो क्या होते हैं, शुड हैव मिनिमम ऑफ 0.25 mm लेड कवरिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, दैट मींस जो आप लेड एप्रन पहनते हो उसकी थिकनेस लेड एप्रन ना लेड की कितनी उसमें थिकनेस होनी चाहिए। अब आपको पता है जितनी ज्यादा थिकनेस होगी उतना ज्यादा आपका लेड है और उतनी ज्यादा आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, लेकिन उतना ही ज्यादा वो हैवी हो जाता है। कभी लेड एप्रन देखे हैं पहन के, कभी रेडिएशन में गए हम लोग पहनते तो वो कंधे दुखने लग जाते हैं, इतने वो हैवी होते हैं उसमें लेड होती है। तो ऐसे पहन के उस फल्ला हो तो कंधे जब पूरा दिन पहने रखो तो बुरा हाल हो जाता है पहन के,
ठीक है, तो 0.25 इज ओके, 2.5 mm, लेकिन अब बहुत ज्यादा रेडिएशन में काम करो तो उनके लेडेप्रेन भी ज्यादा थिकनेस वाली होती है, जो फ्लोरोस्कोपी या जो काम ही रेडिएशन में कर रहे हैं, एक्सरे वाले तो लेडेप्रेन पहने और फिर पीछे प्रोटेक्शन के चले जाते हैं उसके, तो चलो इतना भी चलेगा ठीक है। अब जो फ्लोरोस्कोपी वाले हैं वो तो आपको पता है साथ ही प्रोसीजर कर रहे हैं इधर डायरेक्ट, साथ ही एक्सरेज मिल रहे हैं तो वो डायरेक्ट बीम के पास होते हैं, तो उनको कोशिश करते हैं हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्शन दें। एप्रन्स हो गए, उसके अलावा मटेरियल यूज इज लेड रबर कवर्ड विद क्लोथ और प्लास्टिक इम्प्रेगनेटेड विद मेटालिक लेड। एप्रन शुड नॉट बी फोल्डेड एज प्रोटेक्टिव मटीरियल, इनके लिए स्टैंड होता है यूं करके हम लोग डाल देते हैं, उसको फोल्ड करके कभी नहीं रखना, लेड जो है बीच में से टूट सकती है और उसमें फिर स्पेस आ सकती है और वो भी फिर हमारी रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए काम नहीं करेगा, उसमें से आपको वो हार्म दे सकती है ठीक है। दीज आर लेड एप्रन्स जो इन्होंने पहने हुए डिफरेंट, ये ठीक है, एक तो फ्रंट से कुछ पीछे से भी होते हैं यूं करके उन्होंने बांधे होते हैं सर में पहनने के लिए, थायराइड के लिए होता है वो गूगल के जो गूगल कह रही हूँ गॉगल्स होते हैं जो लेड के बने होते हैं वो पहने होते हैं, थायराइड के लिए ये होता है और डिफरेंट होते हैं ठीक है। तो खासतौर पर नेक के लिए कवर करते हैं जब आप डायरेक्ट प्राइमरी बीम के पास होते हो, और फिर आप गॉगल्स भी वो सही पहनते हो क्योंकि आपने फ्लोरो, लेकिन जो आपके लेड एप्रन्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं जो आपने रेडिएशन में अगर एक्सरेज या सीटी या उसमें काम करना है तो आपके पास इस तरह के लेड एप्रन्स होते हैं ठीक है, या पूरे नीचे नी तक होते हैं कवर्ड। इसके अलावा ग्लव्स होते हैं, गॉगल्स होते हैं, ग्लव्स भी जब आप जो काम इमेजिंग जो कि इन्वेसिव प्रोसीजर्स कर रहे हो साथ में ठीक है, जिस तरह आप लोगों की एंजियोग्राफी के अंदर होता है ठीक है, आप बिल्कुल रेडी फ्लोरोस्कोपिक टेबल के ऊपर तो आपका पेशेंट होता है, साथ में नीडर वो जो भी आपने फेमोरल आर्टरी से लेकर जाना है अपना स्टंट डालना है या कुछ भी ठीक है, तो वो उसके लिए क्या होता है कि आप डायरेक्ट एक्सपोजर के पास हो तो आपके हाथों से काम कर रहे हो, आपकी ग्लव्स भी वैसे होने चाहिए, अपने आप को एप्रन पहन लिया, फिर जो चीज या जो एरिया आपका अनएक्सपोज्ड है उसको आपने कवर्ड करना है, नेक को थायराइड वो पहन लिए, गॉगल्स पहन लिए, तो डाटा सर इम्पोर्टेंट ठीक है, ग्लव्स एंड गॉगल्स हो गया। उसके अलावा एक्सरे रूम एंड इक्विपमेंट, इसमें क्या होता है कि आपका जो रूम है आपको पता है एक्सरे रूम इज डिजाइन स्पेशली ठीक है, तो वो प्रॉपर जब भी किसी डिपार्टमेंट में एक्सरे रूम बनता है तो उसकी वॉल को जो प्रॉपरली डिजाइन किया जाता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो है आपको लेड भी लगानी पड़ती है जो फ्रंट वाली है, ताकि अगर इस रूम में रेडिएशन प्रोटेक्शन क्या कहते हैं एक्सरेज हो रहे हैं तो साथ वाले रूम में पेनिट्रेट करके उधर उन पेशेंट को ना हार्म करें, तो उस रूम को भी प्रॉपरली स्पेशली डिजाइन किया जाता है ठीक है। रूम शुड ऑल्सो बी वेरी वेल कोटेड विद लेड अलॉन्ग विद द फ्री फ्रॉम एनी लीकेज, जो हमारा रूम है उसकी वॉल के अंदर लेड होता है ताकि लीकेज ना हो, प्रॉपरली उसको चेक किया जाता है, और उसकी वॉल जो होती है ना वो एटलीस्ट 22 centimeters थिक एंड शुड बी ऑफ कंक्रीट इन टू विच आयरन मे बी इंट्रोड्यूस ठीक है, इसको जो प्रॉपर डिजाइन किया जाता है इसको इतना आपको पता होना चाहिए, कंक्रीट और आयरन यूज करके 22 centimeters और आगे लेड लगाई जाती है उसकी वॉल के अंदर ठीक है, ये स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं एक्सरे रूम, कहीं पे भी एक्सरे यूनिट अगर आप रख रहे हो यूनिट लगा रहे हो तो उसके रूम को भी प्रॉपरली ये आपको पता होना चाहिए रेडिएशन प्रोटेक्शन, पता चले कहीं पे भी किसी इलाके में अपने इलाके में एक्सरे तो ले लिया है और रूम में रख के एक्सरे कर रहे हो और रेडिएशन प्रोटेक्शन का पता नहीं है, आस पास के लोगों को भी रेडिएशन दे रहे हो ठीक है, तो ये चीजों का पता होना चाहिए कि किस तरह हम हार्म कर सकते हैं, जिस भी जगह पे आपने यूनिट लगाना है, अपना भी कोई यूनिट स्टार्ट कर रहे हो, अपना कोई क्लिनिक बना रहे हो, तो जहां पे एक्सरेज हैं, जहां पे आयनाइजिंग रेडिएशन है, उस रूम को प्रॉपरली डिजाइन करवाओ ठीक है, उसकी वॉल के अंदर प्रॉपर ये चीज डिजाइन की जाती है ठीक है, ये खासतौर पर जिनसे आप एक्सरेज यूनिट इंस्टॉल करवाते हो ये खुद ही वो लोग कर देते होते हैं, वॉल उनके अंदर ही होता है कि आपने यूनिट भी इंस्टॉल करना है प्लस आपने उसको डिजाइन भी करके देना है। अच्छा, वार्निंग साइंस मस्ट बी प्लेस नियर एक्सरे रूम रिगार्डिंग पोटेंशियल हैजर्ड्स, ये वाला निशान जो है ना हैजर्ड जो अभी हम देख रहे थे रेडिएशन का, ये आपने देखा होगा हर जगह पे एक्सरे रूम के बाहर तो मस्क लगा होता है और लाइट भी होती है और लिखा होता है कि जब तक लाइट ऑन है आपने अंदर रूम में नहीं आना, दैट मींस एक्सरेज परफॉर्म हो रहे हैं रेडिएशन से अंदर, अलार्मिंग इफेक्ट है, तो वो लाइट ऑन हो जाती है उस पर रेड कलर की, तो दैट मींस उस रूम में आपने एंटर नहीं होना जब तक, खासतौर पर ज्यादातर रूम्स के बाहर ये लिखा होता है जब तक लाइट ऑन है आपके अंदर एंटर नहीं होगा ठीक है, और ये साइन भी बनाता है उस एक्सरे रूम के बाहर जो है ना कि दैट मींस यहाँ रेडिएशन है ठीक है, तो ये अवेयरनेस आप लोगों ने देनी है, मैंने आपको बताया था हम लोगों ने सेमिनार करना है तो 3 days का, उसके लिए फारिग हो जाओ इससे मिड से, फिर हम लोग बैठ के इसके ऊपर करते हैं 3 days, तो आप लोगों ने इसके ऊपर वर्कशॉप बनानी है, कुछ करने हैं, स्टॉल्स वगैरह लगाओ, जैसा UMT के अंदर कौन ये करता काम, कौन सा डिपार्टमेंट है ठीक है, वो देख लो, मुझे तो इन चीजों का आइडिया नहीं है, मैं बनाऊंगी आप लोगों के कुछ जो है काम करने वाले लोग हैं मुझे उतना नाम दे, फिर उसमें आप लोगों ने 3 days में करेंगे कि एक दिन आप
का लेक्चर रखेंगे आउटसाइडर्स, कुछ रेडियोलॉजिस्ट को बुलाएंगे, वो आपको बताएं कुछ कुछ कोशिश करेंगे, मेरे जो कुछ सीनियर्स वगैरह हैं जो कि अब्रॉड में जॉब कर रहे हैं उनसे हम लोग कोई यही कोई जूम मीटिंग या कोई वेबिनार टाइप उनसे रखवा लें, ताकि वो आपको बाहर क्या इसका स्कोप है उसके बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस दे दें, ठीक है, इस फील्ड के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो जाए। बाकी रेडियोलॉजिस्ट के साथ आपने काम करना है वो एक दो लेक्चर्स, एक गायनोकोलॉजिस्ट बुला लें कि ठीक है आपने जॉब्स गायनी अल्ट्रासाउंड वो उसके लिए आप उसके लास्ट टाइम तो हमने करवाया था डॉक्टर सोनिया ने ही हमें साथ में किया था गायनी का, ठीक है। फिर उसके अलावा आप 3 डे का होगा तो आप प्रॉपर वहाँ पे स्टॉल्स वगैरह लगाओ, इस तरह के वो चार्ट बनाओ, वो जो रेडिएशन प्रोटेक्शन क्या होती है, रेडिएशन की अवेयरनेस दो, क्या आप रेडियोलॉजी के स्टूडेंट हो, रेडिएशन कितनी आपके लिए हार्मफुल है, कितनी लोगों के लिए, लोगों को पता ही नहीं है रेडिएशन कितनी हार्मफुल है, ये जितनी आजकल बीमारियां जो कुछ है रेडिएशन की वजह से है, ठीक है। तो रेडिएशन प्रोटेक्शन के ऊपर आप लोगों ने बड़ा काम करना है, ठीक है। रेडिएशन प्रोटेक्शन किस तरह हम आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अगर जो वाकई उस रेडिएशन में काम कर रहे हैं वो किस हद तक अपने एक्सपोजर को रिड्यूस करें, और क्या चीजें पहने, क्या चीजें वॉल को किस तरह अपने इन चीजों को रेडिएशन को कम से कम रखें, ठीक है। रेडिएशन से हम फायदा भी उठा सकें और रेडिएशन का नुकसान भी, हम नुकसान से भी बच सकें, ठीक है। फिर उसके बाद एक दिन हम लोग प्रैक्टिकल रखेंगे सारा, ठीक है, उसमें हैंड्स ऑन करवाए जाएंगे, जो लोग डॉक्टर्स बुलाएंगे वो आपको बताएंगे चीजों के बारे में, ठीक है, कि किस तरह उनके ऊपर है। तो कंपनीज को हम कोशिश करेंगे कि इन्वॉल्व करें डिफरेंट, और वो अपनी मशीन्स डिस्प्ले करें और कुछ चीज़ें जो है वो बताएं, ठीक है। वो पोर्टेबल चीज़ें तो मशीन तो अल्ट्रासाउंड की तो दे सकते हैं, बाकी जो बड़ी मेडालिटीज तो नहीं है उसके लिए तो बात करती हूँ अभी। एक्चुअली ना स्टूडेंट स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, थोड़े बच्चे हो ना तो मैं तो इनको विजिट करवा दूँ डिफरेंट हॉस्पिटल्स का, PIC में आपको एंजियोग्राफी रूम दिखा के लाऊँ, ठीक है। बच्चे बहुत ज़्यादा है ना, बंदा क्या करे, हाँ बड़े हम लोग ये बचा रही हैं, ठीक है। इवन मैंने तो डायरेक्टर से भी ये भी बात की है कि जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, मतलब शौकत खानम हो गया या PIC के लिए अब एंजियोग्राफी के अंदर कैथ लैब के अंदर इतना मैंने राय दी थी है, अब सर कह रहे हैं इट्स अ गुड, इस पे बात, इस पे काम किया जा सकता है। डैट मीन्स के वो बच्चे जो क्या टॉपर बच्चे हैं जिनका CGPA बहुत अच्छा है 4 या उन वो वाले बच्चे हम लोग सॉर्ट आउट करें और उन बच्चों को विजिट करवाएं, इस तरह तुम लोग मेहनत भी करोगे पढ़ने की, ठीक है। और उनको जो हम लोग जो है ना अच्छे हॉस्पिटल्स, क्योंकि एक तो हमारे पास हो जाएगा बच्चे का, मेरा है कि उनको विजिट जरूर करवाया जाए इन अच्छे हॉस्पिटल्स की, और वही बच्चे इंटरेस्टेड होंगे जो वाकई पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है। बाकी उनको तो लेके जाने का फायदा नहीं क्योंकि पढ़ते ही नहीं है वो, उन्होंने उनको लेके जाएंगे तो स्ट्रेंथ ही बढ़ेगी, उन्होंने तो वैसे ही नहीं पढ़ रहे वो। तो जिनको वाकई इंटरेस्ट है अपनी फील्ड से और अच्छे नंबर भी ले रहे हैं उनको हम विजिट भी कराएंगे। तो अब हमारे पास वो बच्चे होंगे सिर्फ जो रेक्टर अवार्ड वाले और डीन अवार्ड वाले, उनको हम अपनी तरफ से एक एक देंगे, तो वो क्यों नहीं मेहनत करेंगे, वो मेहनत करेंगे अब देखना, ठीक है। तो उनको हम लोग शौकत खानम में जो हमारे पास अवार्ड वाले ना रेक्टर अवार्ड डीन अवार्ड जो भी आप लोग लेते हो तो वो जो है ना, अच्छा अब पढ़ो, पहले नहीं पढ़े थे, हमें पढ़ने आने, अच्छा पढ़ो अब पूरा सिलेबस खत्म हो गया, पढ़ने आना शुरू से, अब फिर से दोबारा से शुरू करते हैं, वेरी गुड, ठीक है। तो अब मैंने तो सर को यही सजेशन दिया है कि हर सेमेस्टर में जो हमारे पास अच्छे बच्चे हैं जो अवार्ड लेते हैं उनके लिए हम लोग सर्टिफिकेट्स रखें, और सर्टिफिकेट्स हमारे पास अच्छे हॉस्पिटल का विजिट हो, ठीक है। अच्छा चलो चलो मेहनत करो, इस तरह देखो बच्चे पढ़ेंगे भी और इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, और मेरा और इस तरह हम लोगों को भी आसानी होगी कि मेरा है कि इनको अच्छे हॉस्पिटल्स का विजिट करवाया जाए, तो अच्छे हॉस्पिटल का विजिट हम इतने स्ट्रेंथ को नहीं करा सकते, इसमें अब बच्चे भी कम हो जाएंगे, थोड़े होंगे तो हम उन्हीं बच्चों को कराएंगे, ठीक है। बाकी अपने ओन पे करें, और अगर नहीं तो मेहनत करें जिन्होंने हमारे थ्रू करनी है। अच्छा चलो अब इसको कम्प्लीट कर लेते हैं, रूम्स डिजाइन हो गए, ठीक है, उसमें लेड हो गई, वार्निंग साइन प्लेस कर दिया, ये हमारे पास क्या है, ये ग्लव्स हैं जो कि यूज होते हैं हमारे, ठीक है, ये गॉगल्स हैं जो कि खासतौर पर जो बिल्कुल डायरेक्ट बीम के अंदर काम कर रहे हैं, इनको बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारी आईज बड़ी सेंसिटिव होती है रेडिएशन पर, तो ये बालों पर तुम लेड की कैप पहन लेते, ठीक है ये देखो इस तरह तुम ना इसके अंदर खड़े होकर तुम काम करना, ठीक है। तो जितनी ज्यादा अपने आप को प्रोटेक्शन दोगे तो हाँ अच्छी बात है ना, जितनी ज्यादा आप अपने आप को प्रोटेक्शन दोगे इतने आप आपको हैजर्ड्स का पता है, आपको है
फीमेल्स तो बहुत डरती हैं, हम लोग खुद कहते थे हमें एक दफा डरा दिया रेडिएशन से कि जो रेडिएशन हम तो अंदर नहीं जाते होते थे, कुछ तो बड़ी अंदर चल कुछ कुछ नहीं होता, देखी जाएगी है वो तो प्रोटेक्शन के साथ तो करे। और कुछ तो ऐसी फीमेल्स थी जो बस पढ़ तो रही है लेकिन उनको काम करने का कोई शौक नहीं होता, वो दूर 2 मिनट दूर खड़ी होंगी, हाई अलर्ट रेडिएशन है, हमने नहीं जाना अंदर। तो मैं तो काम सीखती हूँ, देखिए मैंने स्टंट भी देखे हैं डाले हुए, जो कि हमारा वो नहीं है काम नहीं है, पेसमेकर्स जो है ना हार्ट के एंजियोग्राफी रूम में जो PIC में है, इस तरफ तो कैथ लैब बनी हुई है बिल्कुल साथ ही, जहाँ पे एंजियोग्राफी प्रोसीजर्स होते हैं सारे, साथ ही जो उनके रूम है ना वहाँ पे स्टंट्स डलते हैं। तो मुझे इतना इंटरेस्ट होता था, मैं हर क्वेश्चन पूछना डॉक्टर से हर चीज़, वो अब तो मैं रही नहीं हूँ मेरे अंदर, मैं उस वक्त बड़ी होती होती थी कि मुझे हर चीज़ सीखनी है, हर चीज़ सीखनी है। तो वो फिर मुझे सर खुद ले गया, अकेली होती थी तो बाकी सबने तो चले जाना इधर उधर, मैं वहाँ खड़ी रहना, मुझे नहीं पता मैंने सीखना है, उससे कहते थे अच्छा आ जाओ तुम अंदर रूम में आ जाओ, फिर मैं पूरी वो पहन के किट और बड़े शौक से उनके पास वहाँ खड़े होते थे, पूरा मैंने हार्ट की सर्जरी देखी हुई है वहाँ, हालांकि हमारी फील्ड नहीं थी, तो स्टंट कैसे डाल रहे हैं और वो हार्ट कैसे बीट कर रहा है, प्रॉपर बीट करते हुए हार्ट उन्होंने सर्जरी करके और स्टंट डाल के और प्रॉपर वो साथ में किस तरह चेक करते हैं उनके कहते रिदमिया हो या उसका रिदम कैसे चेक कर रहे हैं, उसके साथ वो मशीन्स लगाई हुई है, मुझे सर एक्सप्लेन भी कर रहे हैं सर, इतना मजा आता होता था इन चीजों का। तो इंटरेस्ट डेवलप होता है इन चीजों का, शौक डेवलप करो अपने अंदर कि मैंने सीखना है इन चीजों को, तो आप सीखोगे चीज फील्ड में घुसोगे तो आपको और चीजें बड़ी मजे की मिलेंगी। ठीक, अच्छा ये सारे आपको प्रोटेक्शन के लिए है। और तीसरा लास्ट क्या था, एक डिस्टेंस हो गया, दूसरा हमारे पास बैरियर्स हो गया डिफरेंट, और तीसरा हमारे पास एक्सपोजर फैक्टर्स, हमने कहा कि उनको रिड्यूस रखेंगे तो रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए। तो करेक्ट एक्सपोजर फैक्टर मस्ट बी यूज इन फर्स्ट अटेम्प्ट, रिपीटेड एक्सपोजर डेफिनेटली एनहांस एक्सपोजर लेवल। कुछ होते हैं पहली दफा कर लिया बड़ा गंदा समझा, चलो एक और एक्सपोजर कर लेते हैं, डबल एक्सपोजर बहुत नुकसानदेह होता है, कोशिश करो एक ही अटेम्प्ट में हम अच्छा इमेज निकाल सकें। अगर थोड़ा बहुत जहाँ पे कमी पेशी रह गई है तो वो इसीलिए डिजिटल आजकल सारा मैंने बताया था ना पोस्ट प्रोसेसिंग कर सकते हैं, कहीं पे थोड़ा कॉन्ट्रास्ट हम इनहांस करते हैं या वो हम उसके ऊपर बैठ के अपने कंप्यूटर पर बैठ के थोड़ा सा हम उसको चेंज कर सकते हैं, जिसको पोस्ट प्रोसेसिंग कहते हैं, क्या प्रोसेसिंग जो है हम बाद में थोड़ी सी कर सकते हैं, थोड़ी बहुत कमी पेशी को हम इस तरह सेट कर लें। कोशिश करो डबल एक्सपोजर कभी ना देना पड़े, ठीक है, पहले ही सारी पोजिशनिंग अच्छी करो कि पता चले कुछ तो ऐसे भी है कट गया हाइला इधर, तो सारा लंग कट गया एक, तो वो उसने प्रॉपर उसकी की नहीं थी, कैसिटी नहीं सही रखी, दोबारा से ले लो रेडियोलॉजिस्ट आ जाएगा डांट पड़ेगी, एक्सपोजर ले लो उसको क्या, वो तो डर के कर लेगा बेचारे, आपने पेशेंट के साथ तो किया ना गलत, उसको डबल एक्सपोजर दे दिया, अब उसको क्या पता, उसको तो हम कहते हैं एक और इमेज लेना है आपका दूसरी पोजीशन से, ठीक है, उस बेचारे को कुछ समझ तो आती नहीं, हाँ जी ले लो, तो हमने उसको एक ही इमेज सही नहीं आया तो आप उसको एक्सपोजर दे रहे हो, आप उसको रेडिएशन दे रहे हो, आप गलत कर रहे हो, ठीक है, गुनाह भी है, ठीक है। तो इस उस पर जरा ना काम बेहतर तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अच्छा सा देख लो कि आ जाए और डबल एक्सपोजर ना देना। मेनी टाइम्स ऑनर्स डिमांड रेडियोग्राफी व्हेन इट इज नॉट जस्टिफाइड, अननेसेसरी एक्सपोजर शुड बी अवॉइडेड, वही ऑनर हमारा रेडियोलॉजिस्ट है, उसको ऐसा चाहिए था इमेज, आपने ऐसा नहीं लिया तो वो फिर अननेसेसरी एक्सपोजर्स को आप अवॉइड करो, आप पहली दफा में ही अच्छा। और डिवाइसेस हमारे पास कौन सी हैं, नंबर वन इज द फिल्म बैज, जो कि मैंने बताया कि हर आप जब डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो तो बैजेस लगे होते हैं, आपने लैब कोट पे लगा लो, पॉकेट पे लगा लो, जो है ना कॉलर पे किसी ने लगाया होता है, ठीक है, तो जिस जगह लगाओगे उस जगह का तो पता चलेगा रेडिएशन, आपकी फुल बॉडी का भी पता चल रहा होता है, ठीक है। रेडिएशन मॉनिटरिंग डिवाइसेस लाइक फिल्म बैजेस शुड बी वर्न ऑल द टाइम बाय इंडिविजुअल इन्वॉल्वड इन रेडियोग्राफी, बट आइडियली वन फिल्म बैज शुड बी एट बेल्ट लेवल टू मॉनिटर होल बॉडी एक्सपोजर, इधर बेल्ट लेवल या बॉयज तो जो बेल्ट पे लगा लेते हैं, गर्ल्स कभी ओवरऑल की जो पॉकेट होती है उसके ऊपर लगा लो, या मेल भी वहीं पर लगा लेते हैं, इस लेवल पर जरूर लगानी है ताकि वो होल बॉडी आपका आपको कितनी रेडिएशन मिली है वो मॉनिटर करें। और दूसरा वाइल अदर एट द नेक लाइन टू एस्टिमेट एक्सपोजर टू स्किन ऑफ द हेड एंड नेक एंड आई, जो अपर हमारे जितना एरिया उसको कितनी एक्सपोजर मिला है तो वो आप नेक के पास लगा लो, इधर कॉलर पे लगा लेते हैं ज्यादातर लोग ना, ठीक है। रेडिएशन मॉनिटरिंग बैजेस अवेलेबल इन रिंग्स, जो मैंने बताया था क्लिप्स एंड रिस्ट बैजेस, देखो ये जो होता है ना मैंने ज्यादा ये देखा है, ये जो बैजेस लगे होते हैं ना आपके, ये लगे होते हैं आप डिफरेंट हॉस्पिटल्स में रेडिएशन में काम कर रहे होते हैं, ऐसे इन्होंने बैज लगाया होता है, और ये हर मंथ आके रेडिएशन वाले आपके फिर वो जो हॉस्पिटल में ही होता है उनका डिपार्टमेंट, वो आके नेम वाइज आपके बैजेस ले जाते हैं, फिर आपको उसकी डोज बता देते हैं कि आपको इतनी डोज मिली है इस मंथ, इतनी डोज मिली है, ठीक है। तो आपकी जो एक थ्रेशोल्ड लिमिट होता है उससे अगर नीचे नीचे या तो कोई नहीं कह रहा है, ठीक है, आप अगर उसको लिमिट क्रॉस कर रही है डैट मीन्स आप अलार्मिंग उस पर आ गए, उस पर आप रिस्क पे आ गए, तो आप रेडिएशन से दूर ही रहो, ठीक। एक्स-रे बीम फिल्ट्रेशन एंड शील्डिंग ऑफ हेड ट्यूब, हमें पता है क्या क्या है, एक्स-रे ट्यूब के पास हम कॉलिमेशन यूज कर रहे हैं, शील्डिंग यूज कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन एल्यूमिनियम फिल्टर एटलीस्ट
2.5 mm thickness should be used to absorb the soft x-rays to reduce ये जो scatter radiation वाली soft x-rays radiation है ना उनको absorb कर लेता है aluminium के जो filters लगे होते हैं By this exposure हमें पता है ना collimation जब पड़ी थी किस material की होती है और वो क्यों absorb कर रहा है sides पे plates लगी वो सारा कुछ वो हमने पहले पढ़ लिया हुआ X-ray tube head it should be well shielded from all side except the exit window जहाँ से radiations ने emit करते हैं एज एंड सेक्स ठीक है जो अभी हम 6 पॉइंट्स पढ़ लिए थे उसमें अंडर 18 इयर्स वाले जो हैं वो रेडियो सेंसिटिव होते हैं तो उनके ग्रोइंग टिश्यूज होते हैं तो कोशिश करनी है कि उनके अंदर हम लोग रेडिएशन ना दें और अगर बहुत जरूरी है तो फिर हम लोग उसको प्रोटोकॉल्स को यूज करते हुए उनका एक्सपोजर करें प्रेगनेंट फीमेल शुड नॉट बी इन्वॉल्व बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम सेंसिटिविटी ऑफ द एम्ब्रियोज एट सर्टन स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट ये भी आपको समझ आएगी फीटस कितने रेडियो सेंसिटिव होते हैं एम्ब्रियो इनकी डेवलपिंग एज होती है ऑर्गेनोजेनेसिस हो रहा होता है ऑर्गन्स बन रहे होते हैं उसमें ही आपको रेडिएशन इन्वॉल्व हो जाती है तो बच्चों में एबनॉर्मेलिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं तो रेडिएशन से ठीक है तो ये चीज मुझे भी नहीं पता थी इवन के जो वो भी रेडिएशन ही होती है आप किसी मॉल वगैरह में जाओ वो जो क्या बना होता है जिसके अंदर से गुजर के जाते हैं आप बाहर जो लगे होते हैं डोर्स के डोर तो उसके अंदर से जब गुजरते हैं वो भी रेडिएशन ही है तो जब मेरी बेटी पैदा होने वाली थी तो मैं इसी तरह एम्पोरियम मॉल में गई मुझे नहीं पता था मैं उसके अंदर से गुजरने लगी तो उसने मुझे खुद जो फीमेल थी वहाँ पे खड़ी थी उसने मुझे बोला कहती है आप मिस साइड से आ जाए तो डैट मीन्स कि उसने भी वो भी रेडिएशन है तो ये चीज़ें जो फीमेल्स को ना अवॉइड करनी चाहिए रेडिएशन से तो मुझे नहीं हालांकि पता था इस चीज़ का कि वो भी ये रेडिएशन ही हैं ठीक है वो भी आप डोर से आपका स्कैन हो रहा है ना आप तो रेडिएशन ही मिल रही है ना वो भी स्कैन मतलब आपकी इमेजिंग ही हो रही है वो किसी रेडिएशन से ही सोर्स से ही हो रही है ना तो वो आपके एम्ब्रियो मतलब आपके फीटस आपके बच्चे के लिए तो फिर वही रेडियो सेंसिटिव हो गया ना तो कोशिश करनी है रेडिएशन अवॉइड करनी है जो भी आपके रेडियो सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स हैं ऑर्गन्स हैं आपके या फीटस प्रैक्टिस अलारा रेडिएशन प्रोटेक्शन में अलारा नहीं तो कुछ नहीं ठीक है अलारा इज वेरी इंपॉर्टेंट अलारा तो पूछते ही रहते हैं हर जगह हर डिपार्टमेंट में पूछेंगे व्हाट इज अलारा एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल ठीक है ये तो पूछा ही पूछा जाएगा ठीक है अलारा मीन्स एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल एनी टाइप ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन poses some risk as exposure increases so does the risk jitni radiation utna risk aap pe limit your exposure whenever possible ye kuch references hain aapke radiation protection ke books hain kuch agar aap aur isme detail radiation protection ki chahte ho to ye kuch radiation iske references books hain kuch iske pad sakte ho uske bare mein share wagera koshish karungi वैसे तो मैं बताऊं मेरा syllabus complete ho gaya hai aaj mera last lecture tha lekin jaldi khatam ho gaya isme do lecture shayad aur bataunga बना के लाऊंगी अभी लेक्चर मेरे बने नहीं हुए मे भी मैं रेडिएशन प्रोटेक्शन के ऊपर ही थोड़ी सी और बना लूँ इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है उसको थोड़ी डिटेल में देख लेंगे कि हम लोगों के कौन से हमारे इफेक्ट होते हैं या इनके ऊपर तो वैसे हम लोग एंडिंग पे चले गए हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट कम्प्लीट हुआ है रेडिएशन का जो हमें सिलेबस में थैंक यू इसके बाद आप एग्जाम दोगे एग्जाम के बाद हम प्रैक्टिकल कोशिश करो उस वक्त तक हम लोग कोई एक सेमिनार भी रख सके हैं 3 डेज का वर्कशॉप भी कर सके और इसके लिए भी डांस के बाद फ्री होके ना फिर इसके ऊपर थोड़ी करते हैं ठीक है तो वो फिर हम शायद ईद के बाद हाँ एक हफ्ते को मैंने भी जाना चाहती हूँ मैं थक गई रेडिएशन है ये बात ब्लड एप्रन पहन चला इसको तो करते हैं काम लास्ट में आप 4 बच्चों नाम तो बताइए अहमद है ईशान इसका दोस्त का अभी तो उस पर मैं कौन सा कह रही हूँ अभी हम लोग जा रहे हैं ये मैंने सजेशन दी थी सर को जब हमारी मीटिंग हुई थी ना मैं कि तो सर कहते हैं कि मैंने कहा बच्चे बहुत ज्यादा कहते हैं कि हम लोगों को अच्छे हॉस्पिटल्स में लेके जाए तो सर ने मैंने कहा हमारे साथ जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल है वो तो ना होने के बराबर ये सुरैया अजीम हॉस्पिटल जो है ठीक है ना वहाँ पे कुछ है ना रेडियोलॉजी का मैं गई हूँ एक दफा तो मैंने वहाँ पे तो हैरान होगी बच्चे इतने टाइम से यहाँ आ रहे हैं करने क्या आते हैं यहाँ पे चाय पीते हैं वापस और कुछ भी नहीं कर रहे हो आप अगर हॉस्पिटल एक्सपोजर मिल रहा है तो आपको प्रॉपर चीजें तो दिखाएं और इवन एक अल्ट्रासाउंड वहाँ पे मैं अल्ट्रासाउंड रूम में गई हूँ वहाँ के रेडियोलॉजिस्ट बोल रहे थे कि मुझे तो पता ही नहीं यहाँ पे बच्चे आते हैं कि नहीं आते हैं सर मुझे तो नहीं पता काफी टाइम से इतने सालों से यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं यूएमटी के आ रहे हैं
अच्छा नहीं किसने अप्रूवल दिया यूएमडी को, अच्छा वो आगे से यूं उनको पता ही नहीं है वो रेडियोलॉजी रेडियोलॉजिस्ट है, कहते हैं जाके हॉस्पिटल के वजह है उनसे मुझे बुला के दें एग्रीमेंट जो भी है जिस तरह यूएमडी के साथ वो होगा तो मैं बच्चों को अलाउ करूँगा। मैंने कहा ना, मैंने कहा अल्ट्रासाउंड तो देखने दें, अगर एक चीज़ हो ही रही है वहाँ पे तो थोड़ा बहुत बच्चे देखें तो सही ना, क्यों किसने बोला हम देखने देंगे आप, मैंने कहा जब हॉस्पिटल का है यूएमडी के साथ तो आप करवाएं इनको, उन्हें पता ही नहीं, फिर वो लेटर दे के उनको करवाओ और वो खैर उधर और तो कुछ ऐसा है नहीं था, वही सबसे बात होती है कि बच्चों को ज़्यादातर प्रॉब्लम्स ही ये होती हैं कि उनको हॉस्पिटल एक्सपोजर नहीं है, डिफरेंट हॉस्पिटल्स का दिखाया नहीं जाता। हमारे टाइम पे हमने स्टूडेंट लाइफ में ये चीज़ें देखी थी, हमें थ्री मंथ हमारा एनुअल सिस्टम था तो थ्री मंथ्स का जो जून जुलाई की छुट्टियाँ होती हैं उसमें हम लोगों को जो है ना पढ़ाई कम होती थी तो वो हमारी रोटेशंस लगा देते थे, हम लोग होते ही 20 थे, मतलब ना स्टूडेंट ही फर्स्ट ईयर में 20 ही सीट्स होती थी और उसके बाद जो थे वो रह थोड़े से जाते थे फाइनल ईयर में, जब पूरा यूएचएस के पेपर देने पड़ते थे ना तो लग जाता जाता था, तो उनके लिए फिर इन्होंने चार चार पांच पांच का बैच बना के पांच को पीआईसी, पांच को शौकुखाना, पांच को शेख जायद के रोटेट कर लिया एक महीने बाद, उतना टाइम हम वहाँ पे, और हमारे वापस आके वो लॉग बुक्स चेक होती थी कि आपने क्या क्या देखा है वहाँ पे, प्रॉपर हम लोग लॉग बुक्स बना के लाते थे वहाँ से कि आप लोगों की लॉग बुक्स मुझे पता है किस तरह आप लोग बनाते हो, ठीक है एक दूसरे से कॉपी पेस्ट मार के लॉग बुक्स है, तो ये चीज़ है। तो फिर मैंने सर को यही कहा था सर एटलीस्ट हमें हॉस्पिटल ही अच्छा दे दें कि हम लोग उनको विजिट करवा सकें, तो सर ने कहा कि आप क्या सजेस्ट करती हैं इतनी स्ट्रेंथ को हम कैसे, मैंने तो शौक अफसाना में से गुड हॉस्पिटल वहाँ पे एक प्रॉपर चीज़ें सारी चीज़ें, और मैं बता रही हूँ जिसने वहाँ इंटर्नशिप कर ली, जिसने वहाँ पे एक साल की जॉब कर ली वो यूके नहीं गया तो मुझसे लिखवा लूँगी, ठीक है वो सीधा यूके जाएगा, ठीक है उसके बाद शौक अफसाना पेशावर ये है प्रॉपर चीज़ें वहाँ पे फॉलो की जा रही होती है, ठीक है इसलिए तो यूके वाले उनको लेते हैं कि वहाँ की जॉब की, खासतौर पर वो पहले ब्रेडफोर्ड वाले जो करवा रहे थे शौकतखाना में ब्रेडफोर्ड, मैं बता रही हूँ पहले तो हम लोगों को यूँ ही हमारे कॉलेज वाले ही का था, उस वक्त हमें आइडिया नहीं था किस तरह उन्होंने हमारे सर जो थे उन्होंने बात की थी, हम वही मैं सर से कहती हूँ हम किसी तरह कर लें अगर उनके साथ, मसला ये स्ट्रेंथ बहुत है वहाँ पे पेशेंट बहुत ज़्यादा है, तो सर को मैंने ये सजेस्ट किया था हम एटलीस्ट कुछ बच्चों को तो करा सके ना, तो कहा था कि हमने कि हम लोग क्राइटेरिया जीपीए रखे अच्छे बच्चों के लिए, तो चलो वो तो देख रहे, लेकिन एक कहने का मकसद ये था कि जो पढ़ भी रहे हैं जिनको इंटरेस्ट है उनको हम लोग उन्हीं को हॉस्पिटल्स का विजिट करवाएं जिनको वाकई पढ़ने का भी शौक है, इस तरह हमारे पास स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी बच्चों की और हम लोग उनको सॉर्ट आउट करके जो अच्छे वाले बच्चे हैं उनको हम लोग सॉर्ट आउट करके उनको सर्टिफिकेशन दिलवाए वहाँ की 3 months की 1 month की, और कितना सी जी पी एस मारा 5 से ऊपर करो पर करो देखते हैं फिर उसके ऊपर ना, तो जो है ना फिर उसके बाद बच्चे हमारे पास फिर कम हो जाएंगे उनके हम बैचेस में बना के, तो हम एटलीस्ट अच्छे बच्चों को अच्छी जगह का विजिट जरूर करें, अच्छे बच्चे ठीक है, तो हाँ तुम अच्छे हो वो तो एग्जाम में पता चलेगा, मेरे लिए वही अच्छा बच्चा जो एग्जाम में बेसिक चीजें जिसकी क्लियर है, मुझे तो वहीं पे जो 4GPA वाले ना उनसे बेसिक चीजें पूछ लो ना, ओए होए मेरा वहीं पे वहीं उनका इमेज खराब हो जाता, तुमने 4 लिया तो लिया कैसे, मैं भी तुम्हें फेल कर दूँ, बेसिक चीजें ही तुम्हें पता, ठीक है तो वो यहाँ पर रट्टाफिकेशन ज्यादा है और वही स्लाइड सिर्फ और वो सिर्फ 4-5 उन्हीं स्लाइड्स में से पढ़ के बच्चे 4 ले लेते हैं, तो मेरे लिए वो बहुत अच्छे बच्चे नहीं है, ठीक है तो नॉलेज इनहेंस करो अपनी, इधर उधर से पढ़ो और सारा इंटरेस्ट डेवलप करो, क्योंकि मुझे पता है थोड़ा टाइम होता है आप लोगों के पास सेमेस्टर ये शुरू ये ख़त्म, ठीक है तो जितना पढ़ सकते हो आप लोग तो एग्जाम के लिए पढ़ते हो, लेकिन अपने अंदर शौक तो डेवलप करो ना कि चलो यहाँ से निकलो या फिर आपको और चीज़ें सीखने का शौक है, यहाँ से निकलोगे तो ये नॉलेज तो एक आपको थोड़ी सी है, फिर आप जब फील्ड में जाओगे आप बुक्स पढ़ोगे आप खुद फील्ड में जाके चीज़ें लर्न करने का शौक है, तो इस तरह आपकी नॉलेज इनहेंस होगी, क्योंकि जब आप बाहर कंट्री में या कहीं पर भी आप जॉब करने जाओगे उस इतनी चीज़ों के ऊपर आपको सिर्फ रिलाय नहीं करवा, वो तो बहुत पता है ना हर चीज़ फॉलो की करते हैं, तो उसके लिए फिर आपको दोबारा सिरे से सारा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है तो कोशिश करो कि खुद से डेवलप करो अपने अंदर ये चीज़ कि मैं पढ़ूँ और सारा जो है साथ साथ बुक्स रीडिंग करो, और बुक्स की यहाँ पे आदत ही नहीं डाली जाती है सबको, बस स्लाइड और इवन पेपर भी अगर स्लाइड से नहीं आया तो बच्चे शोर मचाना रोना शुरू हो जाते हैं, मुझे तो इस पर इतनी हैरत होती है कि हम लोग तो मैं बुक से पेपर, अब तो मैं भी चलो मैंने कहा जिस तरह चल रहा है सिस्टम चलता रहे,
लेकिन वही बच्चे अगर फील्ड में जाते हैं, यकीन करो मैं तो मेरे रेडियोलॉजिस्ट के साथ, लाहौर के जितना रेडियोलॉजिस्ट है कौन है जो मुझे नहीं जानता होगा, मोस्टली लाहौर के रेडियोलॉजिस्ट जो है इनके साथ मैंने किया हुआ है, बड़े बड़े जितने रेडियोलॉजिस्ट हैं। तो अब मैं उनसे जब भी मिलती हूँ तो वो पूछते हैं कि अब क्या कर रही हैं, या वो UMT को सुनते साथ ही कहते हैं हमारे पास आते हैं कोई बच्चे इस तरह, उनके पास तो नॉलेज ही नहीं है, उनके पास तो जीरो नॉलेज है, तो किस तरह वो लोग पढ़ रहे हैं वहाँ पे। मैंने कहा उनका कोई है ही नहीं, वो मेरिट ही नहीं सेट हुआ हुआ, हर बच्चे को तो एडमिशन देना होता है, इन्होंने 50% पे रख लेते हैं सब बच्चों को, और फिर आपको पता है FSC 50% वाले भी एडमिशन आ रहे हैं, उनका लेवल क्या होगा, उनको बेसिक बायोलॉजी नहीं आती है जो उन्होंने FSC में पढ़ी होती है, जो बायोलॉजी वाले कुछ जीरो वाले हैं तो वो आगे मेडिकल में क्या पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो इनका लेवल ही नहीं है। तो वो फिर उस पर फिर होती है कि जो पढ़ने वाले हैं, हाँ वो पढ़ने वाले वाकई पढ़ने वाले बच्चे हैं कुछ, लेकिन वो फिर उन सब में वो भी बेचारे रगड़े जाते हैं, ठीक है, जो बाकी जो पढ़ने वाले हैं वो फिर इमेज तो पूरे इस तरह आता है ना, जो फील्ड में जाएंगे वो फिर ऐसे ब्लेंडर्स मारेंगे ऐसे नेट में। फिर मैं उस दिन चुगताई लैब गई, इधर डॉक्टर बीनिश होती हैं चुगताई लैब में, वो कह रही थी कि भाई बड़ा अफसोस होता है इनकी नेट में भी नहीं, इनको तो फिर पढ़ाने का दिल ही नहीं करता इनको, तो बच्चों को इसलिए मैं कहती हूँ ये तो चलो आप पढ़ ही रहे हो, अपनी अपनी तो नॉलेज रखो बेसिक, और इमेजिंग वालों की एनाटॉमी मैं बताती हूँ फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि आपने नॉर्मल चीजें देखनी है तो नॉर्मलिटी तो आप देख, नॉर्मल तो आपको पता हो ना, आप पूछ रहे हो, आपने इमेज करना है ये क्या चीज है ये क्या चीज है ये क्या चीज है, ठीक है, तो हर मोडेलिटी की नॉर्मल इमेजेस देखा करो, CT के इमेजेस और तरह के नजर आते हैं, उसके ऑर्गन इस तरह नजर आएंगे स्लाइस वाइज, CT इमेजेस देख लो, एटलस ले लो, वो जो एक बुक होती है ना एटलस जिसके अंदर सारे इमेजेस दिए हैं, उसके अंदर सारे इमेजिंग की वो होंगे साथ लेबल किए हैं, एटलस ले लो, लेके आऊंगे दिखाऊंगे किसी दिन वो किस तरह की है, मेरे पास जो एटलस है वो वाली ले लो, उसमें आपको डायग्रामेटिक भी हो गए, खुद भी ले लो, रखो अपने पास इमेजेस देखने के लिए ना, कभी आपको एनाटॉमी पढ़नी घर पे कोई एक्सरे आ गया आपको समझ नहीं आ रही, कोई घर पे कोई रिश्तेदार कह रहा भाई एक्सरे मेरा रीड कर दो, आप देख रहे हो पता नहीं क्या है, फटाफट इसकी एनाटॉमी तो देख लो, ये लेबल किया होता है कि इस तरह का लेटरल इमेज है तो ये चीज़ ये चीज़ ये, और नॉर्मल इस तरह है तो डैट मीन ये कुछ डायलेटेड चीज नजर आ रही है बड़ी लग रही है, तो ये थोड़ा तो इज्जत रख लो कि ना खानदान में को मुझे रिपोर्टिंग करनी आती है, ठीक है, तो नॉर्मल एनाटॉमी हर इमेजिंग मोडालिटी की डिफरेंट है, CT की कुछ अल्ट्रासाउंड की तो बिल्कुल ये अलग ही है बिल्कुल, क्योंकि लाइव है, ठीक है, आप उसको कर रहे हो लाइव देख रहे हो हर चीज़ को, खुद ही इमेजेस बना रहे हो, खुद ही उसके प्लेन्स बना रहे हो, CT MRI में तो आपके पास या एक्सरे के अंदर स्टैटिक इमेज या क्या होगा स्लाइसिस होंगे लेटरल होंगे एक्सियल होंगे बस, और उसको आप फौरन से रीड कर लोगे ये चीज पड़ी है ये लेफ्ट साइड पे ये होता है स्लाइसिस में ऐसे होता है, ठीक है, तो एनाटॉमी आप लोगों की बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको पता है इसका ब्लड सप्लाई क्या है, आपको पता है इसके साइड पे क्या चीज गुजर रही है, फिर डिफरेंट मोडालिटीज की मैकोजेनेसिटीज और रेडियोग्राफिकली जिस तरह हम उसकी इमेजेस को देखते हैं कि सॉलिड स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, आपको जब पता है एनाटॉमी में ये चीज सॉलिड है तो उसकी इमेजेस भी ऐसे नजर आएंगे, वो ब्लैक नजर आएगा, वो फ्लूइड फिल स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पे कोई स्टर्ना मैग्ना पड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई सिस्ट पड़ी हुई, नॉर्मली होता है यहाँ पे फ्लूइड, दैट मींस वो नॉर्मल चीज नजर आ रहा है, ठीक है, तो एनाटॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑनलाइन वालों को कुछ समझ आई और कुछ क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ लो, फिर मैं बंद करूँ लेक्चर, क्लास किसके साथ है एक ही दिन एक ही टाइम मेमू का और फार्मा का, उसके लिए मुझे अफनान ने कहा था कि आपको आधा आधा टाइम मिलेगा और तो कोई इसका वो नहीं हो सकता, क्योंकि जी हाँ जी एक घंटे का अगर एक घंटे में अगर दो घंटे का पेपर है तो एक घंटा उस पेपर को एक घंटा उस पेपर नेक्स्ट क्या नहीं वो एनाटॉमी के दो तीन होंगे ना, इस वजह से उन्होंने कहा होगा जिनका क्लास है उसमें दे पेपर दे। मुझे तो अफनान ने ईमेल की हुई थी और उसने बोला था कि इस तरह मेरे पास मैं आपको चेक करा देती हूँ, लो कायनात ने भी यही बोला था फार्माकोलॉजी एंड मेमोग्राफी आर द सब्जेक्ट ऑफ टू डिफरेंट सेमेस्टर इट वुड have been considered a clash if were of the same semester. ठीक है तो इन्होंने you will be attempting back-to-back exams of these subjects. Do coordinate with your resource person at the time of your exam. That means आपको back-to-back दो exam at a time देने पड़ेंगे, आधे घंटे में एक या आधे घंटे में एक या जितने घंटे का भी जो time होगा आता है back-to-back. क्योंकि उसने सीधा मुझे बोल दिया है कि ये different किसी बच्चे ने की थी लाइबा ने की थी
ठीक है, तो और भी बच्चों की काफी आई हुई थी ईमेल्स, तो अफनान ने भी यही एग्जैक्ट मुझे बोला था कि ये दो डिफरेंट सेमेस्टर्स के हैं तो इनको क्लैश कंसिडर नहीं किया. क्या चीज? ये क्लैश वाला तो आप उनसे ही करो, ये हमारे कोऑर्डिनेटर से सारा कुछ करते हैं. लेकिन मुझे जो था उसने ईमेल किया था और सीसी में ये बता दिया कि जिन बच्चों के इस तरह ईमेल्स आपको आए उनका बैक टू बैक आपने एग्जाम लेना है. उनको टाइम देंगे, इसीलिए तो कह रहे रिसोर्स पर्सन से आप कर लें बात. रूम का मुझे बताना, फिर मैं देखती हूँ इसको. अगर मैमो का हुआ तो फिर मैं उधर ही आपको तैयारी कर लेना. ठीक है, टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज़.